में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदर्शन करने घरों से निकले बच्चे, एसएसपी ने समझाया। इटाबास संतोष कुमार मिश्रा ने समझाया, नागरिकता कानून घर वापस हुए सभी, कप्तान की हो रही वाहवाही। इटावा नागरिकता कानून के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश के 20,000 से अधिक शहरों में शुक्रवार को नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुए। इस बीच इटावा से एक सुखद तस्वीर सामने आई। यहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को एसएसपी संतोष मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल सिटीजन रजिस्टर में फर्क समझाया। उन्हें यह भी बताया कि आपको कोई भी भारत से नहीं निकाल सकता, आप सब यही रहेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हंसी खुशी घर भेज दिया। एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि कुछ बच्चे युवाओं की टोली के साथ शुक्रवार को नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरे थे। सुबह से ही पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही थी। एसएसपी संतोष मिश्रा भी संदिग्धों में नजर आए। एसएसपी ने कुछ बच्चों को रोका, उनसे बातचीत शुरू की। विश्वास में लेकर एसएसपी ने बच्चों से कहा कि देख लेना, कल भी थे और कल भी रहेंगे, कोई ऐसा कानून नहीं है जो भारत के किसी नागरिक को निकाल सके। एक बच्चे से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद ताहिर बताया। कहा, किस स्कूल जाते हो, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने माहौल बनाया खुशनुमा। कप्तान हो तो ऐसा, किसने कह दिया यहां से बाहर जाना है, ये सब अफवाह है, अफवाहों पर विश्वास ना करें। जो भारत के लोग हैं, इटावा के लोग हैं, उनके इस कानून से घबराना नहीं है। ये कानून देश में बाहर से आए लोगों का है। इसके बाद माहौल खुशनुमा हो गया, लोग वापस अपने घरों को लौट गए। रिपोर्टर मोहम्मद अजहर आदिल, इटावा, हिंदुस्तान न्यूज 24। यही रहना सबने, याद रखें यही रहेगा, तो कल भी यही रहेगा। तो ये जितने भी हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत के किसी भी नागरिक को, क्या नाम है तुम्हारा? ताहिर, मोहम्मद ताहिर। ताहिर, किसने कह दिया कि कहाँ जाना है, यही रहना है, पढ़ना भी है, स्कूल जाता है, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, किसने कर दिया कि आप पढ़ाई लिखाई सब बंद, यही रहना है, यही पढ़ना है। और ये पीछे देखो, इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है, मेहनत भी करनी है। तो कोई भी अफवाह फैलाए, कोई भी गुमराह करने की, कौन है, आर्मी में भर्ती होना है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो बनना अपने बच्चों को बनाओ, सभी बच्चों को। कोई भी गुमराह ना करे, कोई अफवाह में मत ध्यान दो, आपका भविष्य इधर होना चाहिए। ये मोहम्मद शकील भाई है, सब इंस्पेक्टर, ये आपका भविष्य होना चाहिए, ना कि धरना प्रदर्शन पत्थर फेंकना। किसी को कोई शक है, किसी को कोई भ्रम है, मुझसे बात करे, इमरान भाई से बात करे, शकील भाई से बात करे, लेकिन कानून को अपने हाथ मना ले, ना किसी अफवाह में ध्यान दे। ये मेरी बात आप सबसे गुजारिश रहेगी। आज भी कितने बजे नमाज आज पढ़ेंगे? 1:45 बजे। सब कुशल नमाज को संपन्न कराइए। नमाज होने के बाद में किसी को भी लग रहा है कि नहीं, मुझे इस बिल के बारे में और जानकारी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मोहम्मद इमरान भाई आपको इसके बारे में जितनी जानकारी चाहिए सब बताएंगे। लेकिन आप लोगों ने सुनिश्चित करना है कि कानून व्यवस्था जनपद इटावा में किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ईद भी बनी है, दिवाली भी बनी है, बकरीद भी बनी है, दशहरा भी बना है इटावा में, उसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आपने ये भी चीजें निपटानी है। और कोई भी अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ाई से करना है। ये भी ध्यान रहे, कुछ गलत लोग, आप लोग दो लोग भी सड़क पे निकलेंगे, गलत लोग उसका फायदा उठा के कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं। खामुखा मुकदमे लिखे जाएंगे, कार्रवाई होगी, नौकरी में दिक्कत होगी, आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। कोई मन में अगर दिक्कत है तो आप बात करिए मुझसे, इमरान भाई से बात करिए, शकील भाई से बात करिए, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना है। तो मैं उसी उम्मीद के साथ कि सकुशल आप यहाँ पे नमाज संपन्न करा के अपने घरों को जाएंगे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उम्मीद करूं कि शांति रहेगी, आवाज नहीं आ रही, मैं लड़के उम्मीद करे।